क्या हुआ मम्मी जी? मम्मी मम्मी खाना मिलेगा 100 बार तक कुछ नहीं। कैसे बनाते हैं ये जो ये चीज बना रहा है ना आटा के साथ, ये एक ही लाइफ है, खाओ जी भर के खाओ यार, मोटापा गया भाड़ में कद्दू ले ले। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपके इस नए वीडियो में। और दोस्तों मैं अभी आया हूँ इधर मछली बनाने, और कल जो हमने पूड़ी बनाया था ना तो तेल बचा हुआ था उसमें, तो उसी में फ्राई करेंगे मछली को अच्छे से। सरसों का तेल में ही अच्छा लगता है, लेकिन रिफाइंड ऑयल में आज ट्राई करके देखते हैं भाई कैसा लगता है, कैसा बनता है। और आज का वेदर है भाई, दोस्तों आज मैं और भैया मिलकर खाना बनाए मस्त। भैया जी यहाँ पे चावल पका दिए हैं, दाल भी पक चुका है, बस मेरे को मछली फिश करी बनाना है और कुछ नहीं। मम्मी जी का थोड़ा तबीयत वबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम ही लोग कर रहे हैं जो करना है करते हैं। देखो कैसा लग रहा है, मम्मी जी थोड़ा वेस्ट है। अभी क्या है इस दाल में गाइस, थोड़ा तड़का लगाना है। तड़का के लिए मैं सिर्फ 2 लहसुन यूज कर रहा हूँ। पानी खत्म हो गया भाई, और भैया बाथरूम में बैठे हैं बिना पानी के, तो एक काम करते हैं जाके पंप चला के आते हैं। ये जला नहीं है गाइस, ये इसमें ना मैं सोया सॉस डाल दिया इसलिए काला दिख रहा है। मैं भी सोच रहा था जल गया, नहीं जला नहीं, वो कलर ही ऐसा है यार। उसमें तो फ्राई कर रहा हूँ दोस्तों, और यहाँ पे मैं बनाऊंगा फिश करी, तो बस एक बार फ्राई हो जाए उसके बाद में मसाला वहाँ पे बनाएंगे। मछली जो है फ्राई हो चुका है, और अब मेरे को बस मसाला बनाना है, और उसके बाद मछली को उसमें छोड़ देना है, बस इतना ही काम रहता है। तो यहाँ पे तेल गर्म हो रहा है, और इसमें अभी जा रहा है 5 फड़ंग। जैसे 5 फड़ंग फ्राई हो जाएगा उसके बाद हमें यूज करना है प्याज और फिर टमाटर, कितना ही काम रहता है। बस इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट बना के रखा था वो इसमें डाल दिया गया है, और अभी जो मनपसंद मसाला है वो हम इसमें ऐड करेंगे, और फिर मसाला तैयार। गरम मसाला, मिर्ची पाउडर, हल्दी और मीट मसाला। बिना मसाला का भी गाइस बहुत सही लगता है फिश करी, मतलब मसाला बोलने से यही सब मीट मसाला ये सब बिना कुछ ऐड किए भी अच्छा लगता है। बस सिंपल अदरक लहसुन, ब्लैक पेपर वगैरह जो जो मसाला हमने पहले यहाँ ग्राइंड किया था यहाँ पे, वो यूज करने से भी भयंकर लगता है खाने में, लेकिन फिर भी जब मसाला है तो ऐड कर दिया मैं। बस अब इसका थोड़ा वेट करते हैं फ्राई, इसका जो कच्चापन है जब चला जाएगा मसाला का। फाइनली गाइस फिश करी बन चुका है, और अभी थोड़े ही देर में लंच करेंगे। वेदर का कभी भी गाइस, कभी भी कुछ भी हो रहा है, मतलब अभी बारिश का सीजन है ना, तो बारिश बस बहाना खोज रहा होने का। मस्त वेदर है लेकिन गर्मी लग रहा है।
और दोस्तों कल मैं एडिट नहीं किया था, रात को तो पूरा ड्रॉ कर रहा था ना मैं, तो फिर एडिट करने का मन ही नहीं किया, तो फिर सो गया था, फिर उठा भी बहुत लेट। मतलब क्या होता है, आप जब सो रहे हो ठीक है, एक चीज ये फैक्ट है भाई, हम जब सोते हैं ना सुबह, अगर कोई उठा दिया मतलब नींद पूरा नहीं हुआ फिर आपको उठा दिया कोई, तो आप गए जो काम है वो करके आए, फिर दोबारा से अगर सो गए तो फिर एक्स्ट्रा टाइम आप सो जाते हो, तो यही सीन है। मैं सुबह 3-4 बजे सोया और फिर सुबह वही गाड़ी वाला आ जाता है कचरा वचड़ा के लिए, घर का कचरा वगैरह के लिए वो गाड़ी आता नहीं है, वो आया उसके लिए मेरे को उठाएगा, मैं गया फट से कचरा फेंका और फिर वापस आया और भाई सो गया, और फिर डबल वो टाइम और बढ़ गया। फिर सो रहा था, फिर मेरे को दूध लेने जाता, वो रेगुलर है, वो मैं कभी दिखाता नहीं हूँ, मतलब डेली जाता हूँ मैं दूध लेने, तो वो बार बार नींद में रहता हूँ तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं करता। तो नींद में गया, वहाँ पे दूध लिया और फिर वापस आया, और आने के बाद फिर सो गया, तो फिर उठते मेरे को 12 बज गया, तो इसीलिए आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो फिर एडिट अब कब करूँ, तो एडिट तो करना पड़ेगा, तो फट से लंच करते उसके बाद एडिट करेंगे, फिर मेरे को ड्रॉ करना है, बहुत ज़्यादा काम है भाई। ये देखो फाइनली मम्मी उठ चुके हैं, एक दिन नहीं काम करते तो कैसा लगता है घर। कुछ कहना है आपको है? मम्मी जी गुस्से से पूरा गुस्सा हो गए, मतलब मैं एक दिन काम नहीं कर पा रही थी, तुम लोग कुछ कर नहीं पाओगे, सारा चीज मेरे पे छोड़ देते हो। ये क्या हुआ मम्मी जी? मम्मी मम्मी खाना मिलेगा 100 बजे तक कुछ नहीं उसके बाद अब 3-4 बजे खाना मिलेगा, खाली डालो बच्चों का। देख लो कैसे गुस्सा है मम्मी जी आज। तो गाइस आज एकदम सीधा सरल खाना, मांस भात और दाल भी है। पता नहीं भैया आज कैसे मतलब सब दाल और चावल को पका कर रख दिए हैं पहले ही, तो फिर मेरे को करना पड़ता, मेरे को नहीं पता कैसा बनाया दोस्तों। अगर अच्छा नहीं बना तो फिर मम्मी और अलग से डांटेंगे खाना भी नहीं बनाना आता, ये वो बहुत कुछ। Later that same evening. वाह आज ना बिना बोले ही आ गया ये करने, हैं? क्या करे? करे तो क्या करे? क्या बन रहा है? रोटी? नहीं पूरी। अच्छा जी। तो गाइस आज भी पूरी बन रहा है, जब तक मम्मी नहीं ठीक हो तब पूरी खाओ मैं बोला रोटी करूंगा, थोड़ा पूरी कर दे। अच्छा, और आज थोड़ा ज्यादा बन रहा है, कल ऐसे ही एकदम कम हुआ था, एकदम कम बना था, तो आज देखो इधर इतना सारा अभी बनेगा, और इधर और भी सनाई चल रहा है तेरे ही कहने पे। अरे एक ही लाइफ है, खाओ जी भर के खाओ यार, मोटापा गया भाड़ में कद्दू लेने, ठीक है खाओ जी भर के खाओ और कद्दू बन फिर 2 दिन बाद जब मोटिवेट होंगे फिर बोले अरे बहुत मोटा हो जा रहा हूँ, कुछ करना पड़ेगा सर का, फिर उसी शाम को पूड़ी सिंगाड़ा बड़ा वो सब छोड़, कल के जो टाइम पे तू एक बार ये कर रहा है मैं 2 बार कर चुका हूँ, वो देखता जिसका काम उसी को साझे भाई। मैं तो देखो मैं कर देता हूँ लेकिन टाइम लगता है, चल गरम कर, और ये इसका एक्सपीरियंस है भाई, ये करता रहता है, घर में भी किया है बहुत बार, इसको आइडिया है कैसे करते हैं क्या करते हैं कैसे बनाते हैं, ये जो ये चीज़ बना रहा है ना आटा के साथ, ये बस यही आते गाइस और कुछ नहीं और कुछ नहीं आता है, ये सबसे इजी चीज है, इसीलिए करता हूँ इजी चीज है और क्या, बस फंस गए बा, ये तू कभी भी बोल मैं कर दूंगा, बाकी बोलना वो सब नहीं होगा। ना चिकन बनाता है दोस्तों, ना मछली बनाता है, ना अंडा करी, ना कोई ऐसा भी नॉर्मल सब्जी बनाता है, कुछ नहीं बनाता है, बस ए बना ये, इसको ये बोलो तो ये बना देगा बस, इससे आगे नहीं बस। और हाँ सुबह थोड़ा चावल वावल पका देता है और कुछ नहीं, कभी वो भी उसका मूड हुआ तो पानी गर्म करना है तो वो कर देता हूँ, वो तो एक कीड़ा भी कर लेता है। कीड़ा क्या होता है?
इंसेक्ट मतलब तू कीड़ा पकाता है। कट 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 जब मैं बोलता हूँ वो कट 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 मुझे लगा कुछ अच्छा निकल गया है कद्दू, कुछ नहीं निकल गया। यार छोड़ो, कल वाला तेल भी बचा हुआ है। सुबह इसी तेल में गाइस मछली फ्राई किया गया था और वो तेल बहुत ज्यादा बचा हुआ था, इसको तो वेस्ट नहीं कर सकते ना, तो इसी में पूरी तलेगा और बस यही। सो गाइस पूरी तो बन रहा है लेकिन दोपहर को जो इस तेल में जो मछली फ्राई किया गया था दोपहर को उसमें था हल्दी, तो सारा पूरी अब हल्दी पूरा पीला दिखेगा ऐसा। तो गाइस अभी छोटा सा ब्रेक लिया हूं। ये जो तेल है गाइस जो दोपहर वाला वो उसको चेंज कर दिया, नया तेल यूज करेंगे भाई, क्योंकि वो मेरे को लग रहा है हेल्दी उतना होगा नहीं। वैसे पूरी वूड़ी उतना हेल्दी नहीं है लेकिन फिर भी तल रहा हूँ तो एक अच्छा तेल में तलेंगे, इसीलिए उसको चेंज कर दिया। उस तेल में कभी कभार पकौड़ा वगैरह होगा तो वो तल लेंगे। पूरी सब पूरा ना येल्लो हो रहा है और मेरे को ना अंदर से मतलब ऐसा लग रहा है भाई चेंज कर दे तो मैं चेंज कर दिया। मम्मी जी सब भी ये सब दोस्तों पूरी वूड़ी हो चुका है ना, तो पापा जी मसाला सब्जी एकदम मस्त चटपटा टाइप के पापा जी को ज़्यादा पसंद है, तो पापा जी खुद अभी मस्त ऑमलेट देके एक सब्जी बनाए और पूड़ी। खैर यही है डिनर आज का, डिनर हो जाने देते हैं उसके बाद मैं थोड़ा देर ड्रॉ करूँगा। सुबह से कुछ नहीं बनाया हूँ भाई, कल जितना मैं बना के रखा था ना उतना ही है। ये देखो कल इतना बना के रखा था और आज भी इतना ही है, इस पर टाइम ही नहीं निकाल पा रहा हूँ यार बनाने में। ये ड्राइंग को कंप्लीट करने का समय ही नहीं मिल रहा मेरे को अच्छे से। तेनालीरामा चल रहा है पांक। ओके गाइस डिनर हो चुका है और मैं अभी थोड़ा बहुत एडिट कर रहा था और मेरे को नहीं लगता आज मैं ड्रॉ कर पाऊंगा, समय निकल गया बहुत। अभी ड्रॉ करने बैठूंगा तो फिर 2-3 बज जाएगा और फिर 3-4 बजे नींद नहीं आएगा, फिर पूरा रात जग दूंगा, पूरा मतलब सुबह तक जग जाऊंगा और जिस समय जगना चाहिए उस समय मेरे को नींद आएगा, फिर मैं सो जाऊंगा, फिर शाम को उठूंगा तो फिर टाइम भाई ऐसे ही चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ है मेरे साथ। मतलब सुबह से लेकर रात तक मतलब पूरा कल का दिन ऐसे ही निकल जाएगा सोचो। खैर दोस्तों आज का ब्लॉग इधर ही एंड करते हैं, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अगर आया है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब मारो और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।